गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। 70 के दशक की फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा कहें या फिर लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा, जब भी ये स्क्रीन पर आए तो अपनी सादगी भरे अंदाज से हमारे दिल में घर कर गए। बात कर रहे हैं हम मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल अमोल पालेकर की। अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 मुंबई में हुआ। यूं तो अमोल बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी उनके माता पिता चाहते थे कि अमोल पालेकर को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए, जिसकी वजह ये थी कि अमोल पालेकर कोई भी शैतानी नहीं करते थे और उनके मम्मी पापा चाहते थे कि ये दुनिया देखें और इनका व्यक्तित्व और भी परिपक्व होकर बाहर आए, जिस वजह से अमोल पालेकर को मुंबई से कुछ दूर धानू के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहां नन्हे अमोल पालेकर ने मराठी साहित्य के साथ ये समझ लिया कि उनके अंदर एक कलाकार है और खासी दिलचस्पी दिखाई पेंटिंग के क्षेत्र में। स्कूल के बाद अमोल पालेकर ने मुंबई के ही सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने एक पेंटिंग का कोर्स किया। जहां एक तरफ अमोल पालेकर की पेंटिंग्स की चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ अमोल पालेकर ये सोच रहे थे कि उनकी रोजी रोटी किस तरह चलेगी। और जब बात आई कि कलाकार अमोल पालेकर अपनी रोजी रोटी चलाएं, तो उन्होंने एक बैंक ज्वाइन किया और बैंक की नौकरी करने लगे। साथ ही ये वो दौर भी था जब अमोल पालेकर अच्छी तरह से स्टेज पर भी काम कर रहे थे और उनके मेंटर सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा था, मैं इसलिए तुम्हें थिएटर में नहीं ले रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ वक्त है। रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे के साथ अमोल पालेकर ने स्टेज पर काम शुरू किया और बाद में सन 1972 में अनिकेत नाम का एक थिएटर ग्रुप भी बना लिया। रंगमंच पर अमोल पालेकर ने अपने झंडे गाड़ दिए थे और उनका पहला डायरेक्टोरियल नाटक वल्लभपुर की रूप कथा के लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये वही दौर था जब बहुत सारे सिनेमा के दिग्गज थिएटर देखने जाया करते थे और अमोल पालेकर को बासु चटर्जी ने अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए कास्ट किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना पीक पर थे, लेकिन फिर भी अमोल पालेकर बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज लिए बॉक्स ऑफिस पर छा गए। रजनीगंधा के बाद छोटी सी बात और फिर ऋषिकेश मुखर्जी की अमर फिल्म गोलमाल ने अमोल पालेकर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जितवाया। अमोल पालेकर ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया जब श्याम बेनेगल ने उन्हें एक फिल्म में विलन का रोल दिया। कहानी कुछ इस तरह से है कि अमोल पालेकर के सामने श्याम बेनेगल ने दो चॉइसेस रखी थी, या तो वो हीरो का रोल करें या फिर विलेन का। हीरो का रोल उनकी इमेज को सूट करता था और विलेन उनकी इमेज के एकदम खिलाफ, और ये फिल्म थी भूमिका। अमोल पालेकर एक अलग तरीके का सिनेमा कर रहे थे। उस दौर में उन्होंने एक बेहद संजीदा फिल्म घरौंदा में काम किया और फिर बातों बातों में लेकिन जैसा कि अमोल पालेकर खुद अपने बारे में कहते आए हैं, दैट आई एम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन एंड डायरेक्टर बाय चॉइस। और अमोल पालेकर ने 80 के दशक में ये चुनाव किया कि अब वो फिल्में डायरेक्ट भी करेंगे। एक बहुत ही जज्बाती फिल्म अमोल पालेकर ने दर्शकों के सामने रखी, जिसका नाम था थोड़ा सा रोमानी हो जाएं। अमोल पालेकर ने टेलीविजन पर भी कुछ बेहद अच्छे सीरियल्स डायरेक्ट किए, जिनमें कच्ची धूप और मृगनयनी एक खास जगह रखते हैं। जहां एक और एज अ डायरेक्टर अमोल पालेकर ने बहुत ही उम्दा मराठी फिल्में डायरेक्ट की थी, तो दूसरी ओर शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के साथ उन्होंने फिल्म पहेली का भी डायरेक्शन किया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अमोल पालेकर उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन जैसे तीनों काम संभाले हैं, और तीनों ही क्षेत्रों में उनका काम बहुत सराहनीय है।